पठानकोट के खुशीनगर के रहने वाले पप्पू के बेटे को पुलिस ने घर से चले जाने के बाद परिवार के हवाले किया। और यह सब कैसे हुआ और 10 वर्षीय अबोध बालक घरोटा कैसे जा पहुंचा, सुनते हैं 10 वर्षीय बालक के पिता पप्पू और थाना प्रभारी अरुण कुमार से। हाँ अमित कुमार, मेरा नाम पप्पू, मैं खुशीनगर ना। इस सवेरे को 6:30-7 बजे ना जिस तरह मैं उठा, मैंने आवाज़ मारी रात फोन से, मैं बड़ा तंग कर रहे, मेरा फोन चलाई जा रहे बार बार। मैं उठ के डांटिया उठा, सवेरे उठे वाले फोन पै गया, मैं फोन फड़िया तो जिस तरह मैंने कहा मैंने साइकिल में फड़न लग पाया, कहना मैं झूटा लैन जाना, मैं झूटा लैन जाई 2 मिनट रुक जा तू, मेरा मैं फोन खोता, मैं फोन खो के रखा जेब च पाया, जिदा मैं तला तुला ला के चाबी खोल के मैं बाहर निकलिया तो अगे मैं सड़क पर पुजा तो बच्चा मेरा है ही नहीं। फिर मैं सोचा भी चलो अगे भी आ जाता, 5-10 मिनट बाद आ जाता घर, ये घर आने का नाँ नहीं लिया इन्हें। मैं फिर रोटी रोटी बना के 8 बजे ना जाऊँ लगा डिकने, फिर मैंने क्या एक साइकिल ने दसिया इतने, कहता पिपली महल जाना इधर उत्थे ट्यूबवैल नहाने जाते बच्चे भैया बच्चे ने खेल लगते उधर जा। इस करके मैं पूरा दिन अज मैं इन्होंने लभद ही गुजार दिता। फिर शाम को भरा मेरा इधर जान डे, मैं इन्हू क्या मैं मैंने कहना भी तू बार बार महल क्यों जाया करना, मैं मेरा बच्चा सवेर का गुम है तो मैं लभे करना बच्चे। फिर कहना कोई नहीं शाम तक देख सकता नहीं आता तो फिर यदि रिपोर्ट कराने, तो हूँ ही थोड़ी देर पहले मैं लभ लुभ के आ गया, मैं इतने बैठा तो मैंने महल जनानियाँ कहन लिया बच्चा लभ, मैं जावा तो जावा कितने, मैंने पता तो लगे भी है कितने बच्चा, फिर तो मैं जावा जिते जिते मैंने किसी ने कहा मैं सारे पास घूम आया बच्चा मैंने लभ्या नहीं। थाने हूँ ही सोचे गए भी रिश्तेदारों को भरा मेरा गया छोटा, ये सोचा भी सुजानपुर चल गया भी रिश्तेदारों को, तो हूँ ही तुहाडे अगे पुछया कहिंदा उधर कितने पुजे नहीं, मैं सारों कहा बच्चा साडा गैब है जे किसी नूं लभेगा जां कोई दिखिया तो साडे घर बच्चे नूं छड्ड दे जां सुनेहा भेज दिओ। तो कुदरती आ गए इत्थे हुण गड्डी तुहाडी दिखी पुलिस दी, तो उहदे विच बच्चा बैठा दिखिया, मैं पछाण लिया बच्चे नूं, मैं बच्चा तो साडा इह जा रिहा। फिर असीं इशारा मारिया आवाज़ मारी, फिर भाजी रोक गए तो फिर असीं बच्चा पछाण लिया, तो ये कहते भी कि बच्चा घरोटे चल गया, घरोटे तो कभी अं गए नहीं ना साडा कोई रिश्तेदार अगर, ये समझ नहीं आई भी बच्चा उस साल किसा चल गया, थोड़ा कि दिमाग ही माड़ा मोटा फर्क हैगा, डॉक्टर ने दसा फर्क रहना दिमाग उधर ही। अभी धन्यवाद करा पुलिस का भी चलो भरा, मैं तो सोचा भी पता नहीं लभना कि नहीं लगना, इन दूरा दारा भी पैदा ना, मैं सोचा कि दौराना पै गया तो सैकल लैके गया कि आसे पास डिगेगा तो फिर तो लभना मुश्किल है। अज दोपहर में मैनू तला मिली सी कि पिंड बग्याल च एक 10 साल का लड़का जो साइकिल पर घूम रहा, तो जो असी जाकर देखा तो बच्चा अपना सही एड्रैस नहीं दस रहा, फिर इनू अपने हैंड ओवर कब्जे लैके अं तो लागे चाहे जो भट्ठे लेबर ने उत्थे चेक करवाया, तो जिन्होंने ये बारे कुछ नहीं दसिया ये बच्चा कितों का। फिर उस तो बाद असी एड्रैस बारे पता किया पर थोड़ा सीधा होने करके अपना सही एड्रैस नहीं दस सकया। फिर बाद शाम को सानू दसिया कि मेरा घर शनि मंदिर के लागे है, फिर अं थाना डिवीजन नंबर 2 तो पता किया कि कोई गुमशदगी बारे तुहानू इस तरह की इतलाह हैगी है, पर उन्होंने भी नहीं किया भी सानू अज तक कोई इतलाह नहीं आई। उस तो बाद असीं हुण शनि मंदिर लैके आए हैं, तो इत्थे महला खुशीनगर तो ये बारे पता किया गया, तो जिहड़े कि इहदे डैडी आ सानू मिले ने इत्थे पप्पू जी, तो उन्होंने लड़का हैंडओवर किया जा रहा, शनाख्त इहने पछाण लिया जी अपने डैडी नूं पछाण लिया वा, होर महल्ले वालिआं नूं पछाण लिया ने, महल्ले वाले इहनूं जाणदे ने। ये साइकिल तो आ गया जी घरों, इहदा डैडी दस रहा कि सवेरे 6 बजे के करीब घर तो साइकिल लैके गया, तो जिहड़ा शाम तक नहीं लभ्या तो असीं महल्ले चों लभदे रहे, कितने सरकारी अदारे च कोई तलाह नहीं दी इन्हें। हाँ जी, इन्हों हदायत करते भी जेडे इदा के बच्चे ने थोड़े सीधे ने जो इन्होंने हाथों से कुछ नंबर लिखन जब जेब एड्रैस पाउन मुकम्मल जोड़ा कि इन्नी परेशानी ना हो लभन। फास्टवे पठानकोट की हर खबर को सोशल मीडिया पर देखने के लिए आप फास्टवे न्यूज़ पठानकोट के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फास्टवे न्यूज़ पठानकोट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।